विवेक नंबर दे दीजिए अपना। नंबर दे दीजिए, सॉरी क्यों? अरे मतलब आपने पूछा ना तो मैंने बताया कि नंबर दे दीजिए अपना। अरे पर मैं आपको अपना नंबर क्यों दूँ? तो प्रॉब्लम क्या है नंबर देने में? आप मुझे जानते हो? नहीं जानता तो नहीं हूँ। आपने पूछा काम किया तो मैंने बताया ना आपको। आप किसी को जानते भी नहीं हो, आप मुझसे डायरेक्ट मेरा नंबर लेना है। वैसे कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से? फरीदाबाद से। तो बढ़िया है, फिर दे दीजिए। भाई मैं क्यों दे दूँ तेरा नंबर? तू मुझे जानता है तेरे मेरा, मैं कौन सी कंपनी में क्या काम करूँ? नहीं वो तो नहीं पता है, बता दे। मेरा तो फिर तू नंबर कैसे मान लाग रहे मेरे ते? तेको पता है मैं क्या काम करूँ? तो मैं सीईओ लिंक कंपनी की, ठीक है? तो नंबर तो तू सोचे मत, निकलता बनी आते हैं, समझ में? इधर क्यों नंबर, जो कंपनी की सीईओ होती है वो नंबर नहीं देती है क्या? क्यों? अरे वो नंबर नहीं देती, वो क्यों नंबर देंगी आपको? तो अच्छा क्यों नंबर देंगे? यस, और बाय द वे मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ठीक है? तो मेरे तो मुंह लगी मत भाई, मैं तेरे ते बता रही हूँ, चढ़ा जाता रहने दे कि कांड करा कमानेगा। करे तू जो मेरा नंबर लेगा, क्या करते हो, कहाँ से हो आप? मैं वैसे लखनऊ से हूँ। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मेरा बॉयफ्रेंड है नहीं है, तुमको क्या लेना जब मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता? बट मुझे जानना है कि आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। यस है। यस तो ब्रेकअप कर लीजिए फिर। क्यों कर लूं मैं? मैं कर लेते हैं ना यार। विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? ना भाई, क्या दिक्कत हो रही था ना, मैं मेरे को गर्लफ्रेंड बनाने लग रहा है तू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सरला है। तो सरला जी आप गर्लफ्रेंड नहीं बनेंगी हमारी? कतई भी ना बनेंगी। काहे? अरे क्या दिक्कत होगी भाई, मैं तने जानती को ना, सुन लफड़ा कराएगा कहीं तो तने बेरा। मैं हरियाणा आते हूँ। तो क्या दिक्कत है, मैं यूपी से हूँ। अरे यूपी वालों की हरियाणा वालों तो ना बनती, तने बेरा ना, हमारा सटका हुआ रहे दिमाग, हमारा ऑलरेडी सटका हुआ रहता है। तने ना बेरा, दो ही स्टेट तो ऐसे हैं जो बराबर है, इक्विलेंट है, तो मजा आएगा ना। फिर हम आपस का मामला देख लेते हैं। क्या नाम बताया था ना अपना? विवेक नाम है मेरा। विवेक, अच्छा कहाँ तेरे लग रहे तू, किधर है? मैं बहुत जगह रहता हूँ। अच्छा तो इतके करण आ रहा है? अच्छा बिजनेस है हमारा। अच्छा तो बिजनेस है, तो बिजनेस तो यो तेरा बिजनेस है, मेरे तो नंबर ले रहा है तू। तू मैंने जानता को ना, तू नंबर मांगने आ गया। आप यहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ कंपनी में एक सीईओ हूँ और कंपनी का नाम है लिंक। की प्रोफाइल क्या है? मतलब प्रोफाइल जानना कंपलसरी है क्या? ऑफ कोर्स जानना कंपलसरी है। जब मैं सीईओ हूँ तो तुम कौन हो? मैं देखूँ तो सही भाई, जो मेरा बंदा बनेगा अभी वो कैसा है कैसा नहीं है, करेक्ट ना? मैं भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। सर्च कर रहे हो? गर्लफ्रेंड सर्च तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो साथ में अगर गर्लफ्रेंड भी मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या? वो भी ऐसी वाली सीईओ गर्लफ्रेंड मिल जाए तो अच्छा है ना फिर? आए हाय, तू तो पहले सेट होकर सोच रखा है ना गंदो कि हाँ भाई सीईओ मिल जाएगी अपनी तो लाइफ सेट है, है ना? नहीं लाइफ सेट नहीं चाहिए, वो तो हम कर लेंगे। अच्छा अभी फिलहाल गर्लफ्रेंड सेट करना था। तो गर्लफ्रेंड बना के क्या करेगा? मैं जॉब दूंगी, देखो जॉब नहीं चाहिए, वो हम दे देंगे आपको। दे देगा तू? दे देंगे आपको? तो कोई बात नहीं, बना लेंगे। कितना टाइम लगता है यार? ज्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। सही कह रहा। ज्यादा टाइम नहीं लगता, कंपनी क्या है, पैसे तो कमा लेंगे यार, 15 दिन का काम है वो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अच्छा सच बता रहे, मजा आएगा। आपका बॉयफ्रेंड कहाँ का है? मेरा बॉयफ्रेंड यूएस। यूएस में रहता है? कहाँ पड़े वो गोरे के चक्कर में? गोरा नहीं है वो। तो ठीक है ना, छोड़ो ना यार, मजा आएगा सच में। अच्छा तो अभी तक कितनी लड़कियों को आपने ये चीज बोली है? आप आखिरी हैं, मतलब बोला तो बहुत होगा। अच्छा मैं आखिरी हूँ? लेकिन आप आखिरी हो। अच्छा ऐसा क्यों? अगर आप नहीं तो फिर कोई और नहीं, तू नहीं तो कोई और सही इस जमाने में, हंसी कम तो नहीं। मतलब मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, इसमें आपका घाटा है। ये शायरी कर करके लड़कियों को? नहीं नहीं, शायरी तो मैं बिल्कुल नहीं करता है, तो मेरा मन किया ऐसे कि मैं बोल दूं। आप ब्लेसिंग बहुत अच्छा करती हैं, आप हंसती भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच सर। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैंने बीटेक की हुई है। हमारा भी बीटेक है। बाय द वे मैं IITian हूं। विवेक, तो विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? इंजीनियर हो, मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो? हाँ तो बढ़िया है ना, मेरे कंपनी की सीईओ और आईटी इंजीनियर, सब बढ़िया है ना। पर आपका पैकेज पता है कहाँ है? कोई बात नहीं, पैकेज में क्या रखा, मैंने पहले ही आपको बोला मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखता है। इरादा जो भी हो मंजूर होना चाहिए। अच्छा। अगर इसको हो तो फिर दमदार होना चाहिए। अभी सोच लीजिए, आपके पास चांस है, बढ़िया। अभी गाड़ी यहीं पे है,
अभी रनवे पे है फ्लाइट, अगर निकल गई तो फिर हाथ में नहीं आने वाली है। और अगर मैं मना करूंगी तो क्या होगा? वो ऑप्शन नहीं है यार। अरे सच बता रहा हूँ, मतलब हाँ भी बोलो और ना भी बोलो, नहीं वो ऑप्शन ही नहीं है, ना का तो ऑप्शन ही ना, आपको हाँ ही बोलना पड़े चाहिए ना ऐसा तो। अरे नहीं यार, हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ से पार्लियामेंट से सारा कुछ वहीं से पास होता है, तो हम पहले से पास करवा के लाए हैं। तो विवेक जी ऐसा क्या है कि मैं आपको हाँ बोलूं? आपकी जो कंपनी है, आपकी जो आप जिस जैसे भी आप चाहें, आप जो भी समझना चाहें, आप पैसा देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटस देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनालिटी देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे भी आप चाहें, लेकिन हम चाहेंगे सादगी का जो मजा है वो पैसे का मजा नहीं है, ना स्टेटस का मजा है। अच्छा तो मैं आपकी कंपनी भी खरीद सकता हूँ, सीरियसली अगर आप बेचने का इंटरेस्टेड हो तो बताइए, बात कर लेते हैं, आज ही आपको गिफ्ट कर देते हैं, आप भी क्या याद करिएगा, किसी रईस से मुलाकात हुई थी। थैंक यू सो मच जी। तो भाई दबे हम एक चाय पीते हैं, देन डिस्कस करते हैं 100%। तो अभी उनका ब्रेकअप आपका, ऐसा मत करो ना, क्यों मेरा घर उजड़वाना चाहते हो? अरे कहाँ, आप दुनिया बहुत फास्ट है, आपको पता है 24th century चल रही है। हाँ जी। तो छोड़ना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, पर क्या पता मुझे वो मेरे लिए है। अरे छोड़िए ना यार, छोड़ देते हैं फिर, चलिए चलो ठीक है छोड़ दे, देखेंगे हाँ फिलहाल तो हम आपको खो देते हैं। खो देते हैं मतलब वहां पर देख, कैमरा लगा है सब, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिलहाल हम आपको खो देते हैं। विवेक की बहुत गलत बात है ये, तो अच्छी बात है गाइस, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इतना सख्त होना चाहिए कि फिसलना नहीं चाहिए, लड़की खूबसूरत हो तो भी, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे, वरना ये माया है, इस माया से आप आगे कभी नहीं निकल पाओगे, तो माया से थोड़ा सावधान रहे और अपने जीवन में अपने गोल पे फोकस करें, आई एम राइट ना? लेकिन कभी अगर मेरे पास वक्त मिला, आई एम श्योर मैं आपसे वादा करता हूँ आपके साथ एक चाय पियेंगे, ये वादा है हमारा आपसे, हमारे वाले में ऐसे करते हैं।